इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टेलीविजन की दुनिया के वो कौन से 10 शोज हैं जो बहुत जल्दी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लॉन्च होने वाले हैं। ये सब जानने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में पहला शो है मन की आवाज प्रतिज्ञा का सीजन 2 जो होगा स्टार भारत पर लॉन्च। अगर बात करें इसके सीजन 1 की जिसमें हमें पूजा गौर प्रतिज्ञा और अरहान बहेल कृष्णा के रोल प्ले करते हुए दिखाई दिए। इसके सीजन 1 को 7 दिसंबर 2009 को स्टार प्लस पर लॉन्च किया गया जिसने 3 साल तक राज किया और 767 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में दूसरा शो है उडारियां जो होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च, जिसके मेन लीड में अंकित गुप्ता नजर आने वाले हैं जो कि कुंडली भाग्य और कुछ रंग प्यार के ऐसे भी जैसे शोज में भी नजर आ चुके हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में तीसरा शो है लक्ष्मी घर आई जो होगा स्टार भारत पर लॉन्च, जिसके मेन लीड में सिमरन परिंजा और आक्षित सुखीजा की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। अगर बात करें आक्षित सुखीजा की तो वो इससे पहले कलर्स के शो शुभ आरंभ में राजा के रोल में भी नजर आ चुके हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में चौथे शो का नाम है दीप जले जो होगा जी टीवी पर लॉन्च। ये शो लव स्टोरी बेस्ड शो होने वाला है। फिलहाल अभी इस शो का नाम ही सामने आया है और स्टार कास्ट के लिए ऑडिशन जारी हैं। जैसे ही इसके रिलेटेड अपडेट आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में पांचवा शो है ससुराल सिमर का सीजन 2 जो होगा कलर्स टीवी पर लॉन्च। अगर बात करें इसके सीजन 1 की तो इसके सीजन 1 को 25 अप्रैल 2011 को ऑन एयर किया गया था जिसमें हमें दीपिका कक्कर और धीरज धूपर की केमिस्ट्री देखने को मिली जिसको ऑडियंस ने 7 साल तक पसंद किया और फिर 2054 एपिसोड्स कंप्लीट करने के बाद ऑफ एयर कर दिया गया। खबरों की माने तो अविनाश मुखर्जी हो सकते हैं ससुराल सिमर का के सीजन 2 के हीरो जो कि इससे पहले शक्ति और बालिका वधू जैसे शोज में भी नजर आ चुके हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में छठा शो है भाग्य लक्ष्मी जो कि कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य का स्पिन ऑफ है, जबकि इससे पहले इस शो का नाम मंगला भाग्य था। फिलहाल अभी ये शो प्री प्रोडक्शन में है और इसकी स्टार कास्ट के लिए ऑडिशन जारी हैं। जैसे ही इसके रिलेटेड कोई अपडेट आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में सातवां शो है आपकी नज़रों ने समझा जो होगा स्टार प्लस पर लॉन्च, जिसका प्रोमो भी सामने आ चुका है जिसमें विजेंद्र कुमेरिया और रिचा राठौर की केमिस्ट्री हमें देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें विजेंद्र कुमेरिया की तो वह इससे पहले नागिन के सीजन 4 और उड़ान जैसे शोज का भी हिस्सा रह चुके हैं। आपकी नजरों ने समझा होगा 2 मार्च से स्टार प्लस पर लॉन्च और लेगा 6 PM का टाइम स्लॉट। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में आठवें शो का नाम है प्यार के उस पर जो होगा जी टीवी पर लॉन्च, जिसका मेन लीड होगा कौन इस बात का तो अभी खुलासा नहीं हुआ, बट खबरों की माने इस शो का नाम एसी दीवान की देखी नहीं का सीजन 2 था जो कि अब चेंज होकर प्यार के उस पर हो गया है। खबरों की माने विक्रांत सिंह राजपूत को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है जो कि इससे पहले कलर्स टीवी के शो विद्या में भी नजर आ चुके हैं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में नवा शो है जीजा जी छत पर कोई है जो होगा सोनी सब पर लॉन्च, जिसमें हिबा नवाब के साथ शुभाशीष जहा स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले हैं जो कि इससे पहले जीजीमा और कबूल है जैसे शोज में भी नजर आ चुके हैं। ये शो होगा 8 मार्च 2021 को ऑन एयर जो लेगा 10 PM का टाइम स्लॉट। आप इस न्यू शो को टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में 10वां और आखिरी शो है जिंदगी वेलकम जो होगा स्टार प्लस पर लॉन्च। अगर बात करें इस शो की फिलहाल अभी ये शो प्री प्रोडक्शन में है। इस शो का नाम इससे पहले लव यू जिंदगी था जो कि अब चेंज होकर जिंदगी वेलकम हो गया है। फिलहाल अभी इस शो के लिए ऑडिशन जारी हैं। जैसे इसके रिलेटेड कोई अपडेट आती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट करके बताएं इस अपकमिंग शोज की इस लिस्ट में आपका फेवरेट शो कौन सा है। ऐसी और मज़ीद अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।